छत्तीसगढ़ समेत पंजाब के जितने भी जो बॉर्डर्स एरिया है उनको सील किया गया है। फुल अच्छा कोऑर्डिनेशन है पंजाब पुलिस के साथ भी, हरियाणा पुलिस के साथ भी। एसएसपी आपस में जो है निरंतर संपर्क में है और अच्छा सामंजस्य है। होली वाले दिन चंडीगढ़ समेत पंजाब के जितने भी जो बॉर्डर्स एरिया है उनको सील किया गया है और चंडीगढ़ के डीजीपी खुद बॉर्डर्स एरिया पर पहुंचकर सभी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, उन सभी को मिलते नजर आ रहे हैं, हैप्पी होली कहते नजर आ रहे हैं और सुरक्षा का पूरा जायजा लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ पंजाब के बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हैं जहां पर खुद डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव यहां पर पहुंचे हैं और सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर के इंतजामों के साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनको हैप्पी होली कहकर उन्हें गिफ्ट भी बांटते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ के बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हैं जहां पर चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव यहां पर पहुंचे हैं, सुरक्षा के जायजों के साथ साथ अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ पूरा उनको हैप्पी होली और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको भी देखते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ के बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हैं, डीजीपी चंडीगढ़ हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो हैप्पी होली न्यूज 18 की तरफ से। थैंक यू जी, आपको भी होली की मुबारक हो। सर, लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को देखते हुए चंडीगढ़ में किस तरह के इंतजाम किए गए, आप लगातार जायजा ले रहे हैं सुरक्षा को? देखिए, चंडीगढ़ में बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह नाके लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग है, जो भी इंतजाम करने चाहिए कि सभी जो चंडीगढ़ वासी हैं होली अच्छे से उल्लास से मना सके, सभी लोग एंजॉय कर सके और साथ के साथ कोई भी हादसा नहीं हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है अच्छे इंतजाम लगाकर। क्योंकि सर बॉर्डर एरिया पंजाब का भी है, हरियाणा का भी साथ लगता है, कोऑर्डिनेशन किस तरह? बिल्कुल अच्छा कोऑर्डिनेशन है पंजाब पुलिस के साथ भी, हरियाणा पुलिस के साथ भी। एसएसपी आपस में जो है निरंतर संपर्क में है और अच्छा सामंजस्य है। अप्रिशिएट करने के लिए सर आप बांटते भी नजर आ रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर्स को, आपने हैप्पी होली के साथ साथ जो है गिफ्ट भी बांटते नजर आ रहे हैं। देखिए, छोटा सा परिवार है और सभी मिलजुल कर, आप देखिए जब भी त्योहार होते हैं तो पुलिस वाले जो है इंतजाम के लिए अपना घर परिवार को छोड़कर बाहर सड़कों पर और रात के टाइम में करते हैं, तो ये जरूरी है कि उनको भी एक परिवार जैसी फीलिंग मिले कि उनके जो अधिकारी हैं वो उनका उतना ही ध्यान रखते हैं जितना उनके घर में उनका ध्यान रखा जाता है। जी साहब, क्योंकि इलेक्शन का समय भी है, साथ साथ होली है, उसको लेकर मद्देनजर जो है, क्योंकि ड्रग तस्करी, नशा तस्करी, जैसे पहले भी आपने कहा था कि इस बार पूरे पुख्ता इंतजाम है, उसको लेकर भी ध्यान रखा? बिल्कुल रखा गया है और आगे रखेंगे, इसी तरह से इंतजाम चलते रहेंगे। थैंक यू। तो बिल्कुल चंडीगढ़ के डीजीपी, चंडीगढ़ के एसएसपी पूरा जायजा लेते हुए, खास तौर पर जो बॉर्डर्स एरिया हैं और जितने भी जो पंजाब के, हरियाणा के साथ लगते हैं, होली वाला दिन है और खुद ऑफिसर्स यहां पर पहुंच के पूरा जायजा लेते हैं, खास तौर पर किसी तरह के, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, उसके मद्देनजर भी कोई ड्रग तस्करी या किसी नशा तस्करी ना हो, उसका भी पूरा इंतजाम, पूरा चेकिंग जो है वो ब्रीफ किया गया है ऑफिसर्स को। और खास तौर पर होली का दिन है, कोई हुड़दंगबाजी ना हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने भी बॉर्डर एरिया है उस पर भी ध्यान रखा गया है और खुद चंडीगढ़ के डीजीपी, एसएसपी, आईजी, सभी ऑफिसर सड़कों पर हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जिंदर कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।